बरेली में 3 महीने से फरार चल रहे 25,000 के इनामी वांछित अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अभियुक्त के पास से 300 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त पर एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और वह गैंगस्टर एक्ट का वांछित अभियुक्त है। बरेली की फतेहगंज पश्चिमी पुलिस को सूचना मिली कि 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी जिस पर एक दर्जन मुकदमे दर्ज हैं और उसका नाम अफसर उर्फ अफसार खान पुत्र वकील खान जो कि भोजीपुरा थाना क्षेत्र का निवासी है। सूचना पाकर थाना फतेहगंज पश्चिमी इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार ने टीम का गठन किया और मुखबिर की बताई हुई जगह टिटोली जाने वाले रास्ते पर सोरहा भट्टा के निकट जाकर घेराबंदी कर आज सुबह 5:30 बजे उसे गिरफ्तार किया। फतेहगंज पश्चिमी से वांछित अफसार पुत्र वकील जो अंबरपुर थाना भोजीपुरा का रहने वाला है, ये जनपद बरेली से 25,000 का इनामिया बदमाश था और इसके ऊपर थाना भोजीपुरा और फतेहगंज पश्चिमी में लगभग एक दर्जन आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यह थाना फतेहगंज पश्चिमी से गैंगस्टर में वांछित था। इसको गिरफ्तार करने में थाना फतेहगंज पुलिस को सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी के उपरांत इसको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।